हाथ जोड़े, आंखें बंद, असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, नीचे से आंखों पे रखेंगे, चेहरे की मसाज करेंगे, नीचे से आंखें खोलेंगे। आज से पहले की कक्षा में आज हम देख रहे हैं योग के आधारभूत तत्व। आज के पहले की कक्षाओं में हमने एक यूनिट देखी, जिस यूनिट में हमने योग का अर्थ, योग की परिभाषा, योग का इतिहास, योग की उपयोगिता आदि के बारे में चर्चाएं करी। यह हमारा फर्स्ट पेपर है योग के आधारभूत तत्व। इसका सेकंड यूनिट है विभिन्न शास्त्रों में योग। आज इसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। फर्स्ट यूनिट में हमने देखा योग का अर्थ, योग क्या है, योग आत्मा और परमात्मा का मिलन है। उसके बाद हमने योग के बारे में जो परिभाषाएं दी है महर्षि पतंजलि ने, महर्षि व्यास ने आदि परिभाषाओं के बारे में हमने देखा। उसके बाद में योग का इतिहास कहा क्या है उसके बारे में हमने चर्चाएं करी, और योग का आधुनिक जीवन में क्या क्या उपयोगिता है इसके बारे में भी हमने चर्चाएं करी। अब हम देखेंगे विभिन्न शास्त्रों में योग। योग की उत्पत्ति वेदों के साथ हुई है। जब वेद उत्पन्न हुए तब योग उत्पन्न हुआ, और वेद वेद के सबाद में जैसे कि उपनिषद, स्मृति, दर्शन आदि जो जो भी शास्त्र आते गए, उन सभी शास्त्रों में सभी में योग का वर्णन देखने को मिलता है। सबसे पहले वेद में मिला, वेद के बाद उपनिषदों में, स्मृति में, सभी जो ग्रंथ उसके बाद में जिन ग्रंथों की रचनाएं हुई उन सभी ग्रंथों में वेदों का वर्णन देखने, योग का वर्णन देखने को मिला। आज हम देखेंगे सबसे पहले वेद के बाद वेद में योग का स्वरूप, विभिन्न शास्त्रों में योग और उसमें वेद में योग का क्या स्वरूप देखने को मिलता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारी सेकंड यूनिट है ये। वेद जो है वित धातु से बना है। वेद में योग, ये देखने से पहले हम देखेंगे वेद शब्द के बारे में। तो वेद शब्द जो है वो विद धातु से बना है, और विद धातु का अर्थ है ज्ञान, अर्थात वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद जो है संसार के सबसे प्राचीन, सबसे पुराना ग्रंथ वेद है। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय अर्थात वेद जो है वो किसी की भी रचना नहीं है। वेदों को किसी ने लिखा नहीं था। वेद जो है स्वयं ईश्वर की वाणी है। ईश्वर ने स्वयं वेदों को अपनी वाणी से लोगों तक पहुंचाया था, ऋषियों तक पहुंचाया था। इसलिए वेद की रचना किसी ने नहीं की है, इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। वेदों का उद्देश्य है अध्यात्म की उन्नति। वेद का उद्देश्य क्या है तो अध्यात्म की उन्नति। तो अध्यात्म की उन्नति करने के लिए योग का होना जरूरी है। योग का क्या अर्थ है, आत्मा से परमात्मा का मिलन। तो वेद का अर्थ है अध्यात्म की उन्नति, और उस अध्यात्म की उन्नति करने के लिए योग करना आवश्यक है। सर्वप्रथम योग वेदों में देखने को मिला। वेद और योग दोनों समांतर चल रहे हैं। वेद और योग दोनों की उत्पत्ति साथ में हुई है, इसलिए सबसे पहले योग का जो वर्णन मिला वो वेदों में मिला। उसके बाद अलग अलग जो रचनाएं होती गई, बाद में जो जो भी ग्रंथ आते गए उन सभी में वेदों का वर्णन मिला, योग का वर्णन मिला देखने को। योग भारतीय जीवन पद्धति का एक विशिष्ट अंग है।
पृथ्वी पर सबसे पुराना ग्रंथ वेद है। वेदों में कहा गया है यज्ञ, उपासना, कर्म कांड जो भी क्रियाएं करी जाती है उन सभी क्रियाओं को करने से पहले योग करने का विधान किया गया है। वेदों में विधान किया गया है कि कोई भी कर्म कांड है, चाहे वो यज्ञ है, उपासना है, हवन है, कोई भी कर्म कांड करने को करना है तो उनसे पहले योग करना आवश्यक है। वेद जो है चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी है? चार। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में योग का वर्णन देखने को मिलता है। इन चारों वेद में योग हमें देखने को मिलता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। ऋग्वेद में कहा गया है यस्मादृतेन यस्मादृतेन सिद्ध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन तदीनाम योग मिन्वति। ऋग्वेद में कहा गया है यस्मादतेन सिद्ध्यति यज्ञो विपस्थितश्चन तदीनाम योग मिन्वति, अर्थात विद्वानों का कोई भी कर्म बिना योग के पूर्ण नहीं होता। कोई भी कर्म करने से पहले योग करना अति आवश्यक है, इसका वर्णन ऋग्वेद में देखने को मिलता है। विद्वानों का कोई भी कर्म बिना योग के पूर्ण नहीं होता, इस बात से ही सिद्ध होती है कि वेदों में योग विद्या का कितना महत्व था। कोई भी कर्म बिना योग के नहीं करना है, इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। तो हम इससे समझ सकते हैं कि योग का कितना महत्व था वेदों में। वेदों में कहा गया है कि योगाभ्यास के द्वारा जो विवेक ख्याति मिलती है वह ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है। इस भाव को प्रकट करते हुए एक मंत्र है जिसमें कहा गया है योगे 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 तवत्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्र मूर्तयी। यह जो श्लोक है ये ऋग्वेद, यजुर्वेद
सामवेद और अथर्ववेद चारों वेदों में यह मंत्र आता है। इस मंत्र का अर्थ है, जब साधक साधना करता है या योगी योग विद्या करता है और उसमें साधक की साधना में या योग की जो योग क्रिया योगी करता है उसमें जब कोई भी विघ्न आता है या कोई रुकावट आता है, साधक की साधना में या योगी के योग कार्य में जब कोई रुकावट आती है, तो सभी मिलके, सभी आपस में मिलके ऐश्वर्यवान इंद्र का आह्वान करते हैं, भगवान इंद्र का आह्वान करते हैं। जब साधक को साधना में किसी प्रकार का विघ्न आता है या योगी को योग में किसी प्रकार का विघ्न आता है, तो आपस में सभी मिलकर इंद्र का आह्वान करते हैं। वेदों में हठ योग के अंगों का वर्णन देखने को मिलता है। वेदों में मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग का भी वर्णन देखने को मिलता है। चार वेदों में योग विद्या के विभिन्न अंगों का वर्णन मिलता है। ये हुआ योग, वेद में योग का वर्णन। सृष्टि की शुरुआत में सबसे पहले वेद आए, वेद के बाद उपनिषद, दूसरा है उपनिषद, उपनिषद शब्द का अर्थ हम देखेंगे। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। सबसे पहले वेद आए, वेदों के बाद उपनिषद। उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। आध्यात्मिक ग्रंथों में उपनिषदों का सबसे अधिक महत्व देखने को मिलता है। आध्यात्मिक ग्रंथों में सबसे अधिक उपनिषदों का स्थान अग्रणी है। वैदिक शिक्षा का विस्तृत विवेचन उपनिषदों में देखने को मिलता है। उपनिषदों में उच्च कोटि का ज्ञान है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। वेदों को चार भागों में विभाजित किया है। सबसे अंतिम भाग जो है वो उपनिषद है, इसलिए उपनिषदों को वेदांत, वेदों का अंत, मतलब वेदों में सबसे लास्ट में जो आते हैं वो है उपनिषद, इसलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। कुछ ऐसे उपनिषद भी जिसमें केवल योग का ही वर्णन देखने को मिलता है। इससे हम समझ सकते हैं कि उपनिषद में योग का कितना महत्व था। कई उपनिषदों में चित्त, चक्र, नाड़ी आदि योग के विभिन्न अंगों का वर्णन देखने को मिलता है। उपनिषदों की संख्या 108 है। कई उपनिषदों में अष्टांग योग, मंत्र योग, लय योग, हठ योग आदि का वर्णन भी देखने को मिलता है। अब हम उपनिषद की बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले श्वेताश्वतर उपनिषद की बात करेंगे। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहां कहां योग का वर्णन देखने को मिलता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में योग का स्थान कैसा होना चाहिए, योग अभ्यास करते समय किस स्थान पर योग करना चाहिए, इन सभी बातों का वर्णन श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। कि योग करने के समय जो भूमि है वो समतल भूमि होनी चाहिए, वहां कंकर और पत्थर नहीं होने चाहिए, मतलब वो भूमि जो है वो कंकर और पत्थर से रहित होनी चाहिए। वहां बालू अर्थात धूल, मिट्टी, पानी इन सभी चीजों का व्यवधान नहीं होना चाहिए। आंखों को पीड़ा देने वाली कोई चीज नहीं होनी चाहिए। जब योग साधना करते हैं तो वहां की भूमि समतल होनी चाहिए,
वहां कंकर मिट्टी पत्थर नहीं होने चाहिए, वहां आंखों को पीड़ा देने वाली कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ऐसा वर्णन श्वेता सदर उपनिषद में किया गया है। तो इससे हम जान सकते हैं कि उपनिषदों में योग का वर्णन किया गया है। आगे हम देखते हैं श्वेता सदर उपनिषद में और कहा गया है, नतस्य रोगो नजरान मृत्यु, नतस्य रोगो नजरान मृत्यु योगा ग्रीमयम् शरीरम्। श्वेता सदर उपनिषद में कहा गया है, नतस्य रूपो नजरान मृत्यु योगाग्रिमयम् शरीरम्, अर्थात योगाभ्यास से तपा हुआ शरीर रोग जरा एवं मृत्यु से मुक्त हो जाता है। अर्थात जो योगी योग करता है उसे जरा अर्थात बुढ़ापा नहीं आता, उसे रोग नहीं आता और उसे मृत्यु भी उसके पास नहीं आ सकती। इन सभी चीजों से वो मुक्त हो जाता है। योग करने वाला एक तो रोग से मुक्त हो जाता है, जरा यानी बुढ़ापा से मुक्त हो जाता है और मृत्यु, इन तीन चीजों से मुक्त हो जाता है। अर्थात इन तीनों चीजों से मुक्त हो जाना अर्थात योगी जो है वो उसका शरीर जो है वो स्वस्थ हो जाता है। अब हम बात करेंगे अमृत नागो उपनिषद के बारे में। दूसरा उपनिषद है, पहला था श्वेता सदर उपनिषद, दूसरा है अमृत नागो उपनिषद। अमृत नाद उपनिषद, अमृत नादो उपनिषद, अमृत नादो उपनिषद में योग के अंगों का वर्णन किया गया है। योग के कितने अंग है उसका वर्णन किया गया है। अमृत नादो उपनिषद में योग के 6 अंगों का वर्णन किया है, वह है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तर्क, समाधि। इन सभी अंगों का वर्णन अमृत नादो उपनिषद में किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा है योग शिखोपनिषद। योग शिखोपनिषद में कहा गया है कि योग के 3 अंग है, योग के 3 प्रकार। योग शिखोपनिषद में योग के 3 प्रकार का वर्णन किया गया है। इसमें मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग का भी वर्णन किया गया है। योग शिखोपनिषद में कहा गया है प्राण और अपान का मिलन, प्राण और अपान की एकता यानी मिलन, कुंडलिनी और आत्मा का मिलन, सूर्य और चंद्र, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर की चंद्र जो नाड़ी है उसका मिलन, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, यह योग है। जो योग का मूल अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन, उसी का वर्णन योग शिखोपनिषद में भी किया गया है। आगे हम देखेंगे चौथा है कठोपनिषद। कठोपनिषद मतलब कठोपनिषद, कठोपनिषद में कहा गया है कठोपनिषद में योग का वर्णन करते हुए कहा गया है
यदा पंचाव तिष्ठन्ते यदा पंचाव तिष्ठन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणा इंद्रिय धारणा यह वर्णन कठोपनिषद में मिलता है। यदा पंचाव तिष्ठन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणा अर्थात जब पांचों ज्ञानेन्द्रियां पांचों हमारी जो ज्ञानेन्द्रियां है वह मन के साथ स्थिर हो जाती है और मन जाके निश्चल बुद्धि के साथ एक रूप हो जाता है स्थिर हो जाता है तो उस अवस्था का नाम परम गति है अर्थात इंद्रियों की स्थिर धारणा। जब इंद्रियां स्थिर हो जाती है तो वह योग है। जब पांचों ज्ञानेन्द्रियां बुद्धि के साथ साथ मिलकर स्थिर हो जाती है उसे योग कहते हैं। ये वर्णन कठोपनिषद में मिलता है। कुछ उपनिषदों में सिर्फ और सिर्फ योग का वर्णन मिलता है। कुछ ऐसे उपनिषद हैं जिसमें मात्र योग का वर्णन मिलता है जिन्हें योग उपनिषद कहते हैं जैसे कि योग चूड़ामणि योग राज उपनिषद त्रिशिखो ब्राह्मणों उपनिषद इन सभी उपनिषदों में मात्र योग के अंगों का वर्णन मिलता है इसलिए उन्हें योग उपनिषद कहा जाता है। और योग उपनिषदों की संख्या इक्कीस है। योग उपनिषद कितने हैं? 21। वैसे उपनिषद 108 उपनिषद है और योग उपनिषद किस है इन उपनिषदों में मात्र और मात्र योग का वर्णन देखने को मिलता है। इन सभी उपनिषदों में जो योग का वर्णन मिलता है उसके अनुसार हम जान सकते हैं कि वेदों के बाद उपनिषदों में भी योग का वर्णन देखने को मिलता है अथवा उपनिषदों में कितनी महत्ता है योग की इसके द्वारा हम जान सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमने देखा वेदों में योग का वर्णन उपनिषदों में योग का वर्णन अब तीसरा हमारा तीसरा टॉपिक है गीता में योग का वर्णन। हमने सबसे पहले देखा वेद में योग का वर्णन उपनिषद में योग का वर्णन अब हम देखेंगे गीता में योग का वर्णन। गीता भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों में सबसे सर्वोपरि है। इस बात का अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि संसार की अधिकतर भाषाओं में गीता का अनुवाद किया गया है। इससे हम समझ सकते हैं कि गीता कितना महान ग्रंथ है या कितनी उपयोगिता है इस ग्रंथ की कि संसार की इतनी विभिन्न विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। गीता के सभी अध्याय योग से जुड़े हुए हैं। गीता के जितने 18 अध्याय हैं उन सभी अध्यायों के नाम के पीछे योग लगता है। सांख्य योग कर्म योग ये सभी योग सभी अध्याय योग से जुड़े हुए हैं। गीता में योग की विभिन्न पद्धतियों का भी वर्णन देखने को मिलता है। योग क्या है योग कैसे स्थान पर किया जाए योग करने से कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती इन सभी बातों का वर्णन गीता में देखने को मिलता है। योग करने से कौन सा फल प्राप्त होता है इसका भी वर्णन गीता में देखने को मिलता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है इस अविनाशी योग को सृष्टि की शुरुआत में मैंने सूर्य को कहा अर्थात श्री कृष्ण ने यह योग सूर्य से कहा। गीता की शुरुआत में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को सबसे पहले सूर्य से कहा सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा
मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा, और इस प्रकार यह योग ऋषि मुनियों तक आगे से आगे फैलता रहा, या ऋषि मुनियों तक पहुंचा। श्री कृष्ण गीता की शुरुआत में कहते हैं कि इस योग को, इस अविनाशी योग को सबसे पहले मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा, और राजा इक्ष्वाकु ने अब ऋषि मुनियों तक इस योग को पहुंचाया। इस बात का वर्णन गीता में मिलता है। गीता में योग साधना कैसे करनी चाहिए, योग का स्थान कैसा होना चाहिए, इन सभी बातों का वर्णन गीता के छठे अध्याय के 10वें से 13वें श्लोक में देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे गीता में कहां कहां योग का वर्णन देखने को मिलता है। सबसे पहले गीता के 2वें अध्याय के 48वें सूत्र को देखेंगे। 48वें सूत्र में गीता में कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्ध सिद्धियो समोपत्वा समत्वम योग उच्चते। योग के बारे में गीता में कहा गया है, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। 2वें अध्याय का 39वां श्लोक। आगे हम देखेंगे 2वें अध्याय का 50वां श्लोक, इसमें भी योग की परिभाषा देते हुए कहा गया है, बुद्धि युक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम्। अर्थात योग की परिभाषा बताई गई है, योग क्या है, तो समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों में इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तो समत्व रूप योग में लग जा, ऐसा योग कर जो समत्व हो। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन छूटने का उपाय, अर्थात कर्म ऐसे करने चाहिए कि वो कर्म बंधन ना कर सके। कर्म करने के बाद उसकी फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अगर इच्छा रखते हैं तो वो कर्म जो वो किए हुए कर्म वो उसका जो फल है वो हमें नहीं मिलता, इसलिए ऐसे कर्म करने चाहिए जिसकी हमें इच्छा ना हो। इसके बाद हम देखते हैं 6वें अध्याय का 23वां तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यो योग अनिर्वीण चेतसा। अर्थात जो दुख रूपी संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। योग की परिभाषा इन तीनों श्लोक में योग की परिभाषाएं दी है। तो योग कैसा होना चाहिए इसके बारे में बताते हैं, जो दुख रूपी संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह पूर्वक चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। योग का वर्णन इन सभी श्लोक में मिलता है। आगे हम देखेंगे 6वें अध्याय के 10वें से 13वें तक के जो श्लोक है, इसमें 6वें अध्याय के 10वें से 13वें तक के जो श्लोक है गीता में, उसमें योग की भूमि कैसी होनी चाहिए उन सभी बातों का वर्णन किया गया है। योगी युंजित सततमात्मानं रहसि स्थित एकाकी यत चितात्मा निराशीर परिग्रह। अर्थात मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगा दो। अर्थात योग कैसी जगह करना चाहिए, तो एकांत हो जहाँ कोई और अन्य लोग ना हो, ऐसी जगह पर योगी को जाकर एकांत में योग करना चाहिए जिससे उसका मन जो है वो स्थिर रह पाए,
अलग 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 बातों में उसका मन भटक ना पाए, इसलिए एकांत में जाकर योग करना चाहिए। आगे देखते हैं, सुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम आत्मनम नात्युच्छित्तम नाति नीचम चेला जिन पुरुषोत्तरम। अर्थात किसी जगह पे योग करना चाहिए, योग करने योगाभ्यास करने की भूमि कैसी होनी चाहिए इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर ऊपर क्रमश कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हो। सबसे पहले क्या बिछा हुआ? कुशा मतलब घास, उसके ऊपर मृगछाला और वस्त्र, एक के बाद इसी तीन लेयर बना के उसको रख के उसके ऊपर योग करना चाहिए। और योग का जो स्थान है वो बहुत ऊंचा न हो और अधिक नीचा न हो, अर्थात समतल जमीन पर योग करना चाहिए। योग करने की जो भूमि है वो अधिक ऊंची भी न हो, अधिक नीची भी न हो। ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करें, ऐसे स्थिर आसन रख के उसके ऊपर योग अभ्यास करना चाहिए। आगे कहते हैं, तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चितेन्द्रिय क्रिय उपविश्यासने युज्या ध्योगमात्म विशुद्धये। अर्थात उस आसन पर जो आसन बिछाया है कि जो आसन अधिक ऊंचा ना हो अधिक नीचा ना हो, समतल भूमि पर जो आसन बिछाकर जिसमें सबसे ऊपर कुशा उसके ऊपर मृगछाला और उसके ऊपर वस्त्र रखकर उस आसन के ऊपर जो योग करना है, तो उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए उस आसन पर बैठकर सबसे पहले क्या करना है, तो चित्त और इंद्रिय उसकी जो क्रियाएं हैं उसे वश में करना है और मन को एकाग्र करना है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अब योग का अभ्यास किस लिए करना है? तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए करना है। आगे देखेंगे, तमं काय शिरो ग्रीवं धारयन्न चलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चाणवलोकयन्। अब किस तरह बैठना है, हमारे शरीर को किस तरह रखते हुए योग करना है इसका वर्णन किया गया है। काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करना है। काया मतलब शरीर, सिर और गला वो एक लाइन में हो, इस तरह से हमें अचल मतलब वो हिलडुल नहीं करना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। इस तरह रखकर शरीर को स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर हमारा ध्यान हमारी नासिका के सबसे आगे वाला जो भाग होता है वहां पर हमारी दृष्टि को स्थिर करके और अन्य दिशाओं को न देखता हुआ हमारा ध्यान सिर्फ नासिकाग्र को होना चाहिए, अन्य दिशाओं पर हमारा ध्यान नहीं भटकना चाहिए। इस तरह योग करना चाहिए। इस तरह 10वें श्लोक से 13वें श्लोक तक योग की भूमि कैसी होनी चाहिए, हमारे शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए, उस सभी बातों का वर्णन गीता के 10वें से 13वें श्लोक में, छठे अध्याय के 10वें से 13वें श्लोक में किया गया है। आज हमने देखा सेकंड यूनिट का तीन टॉपिक हमने देखे, वेद में योग, उपनिषद में योग और गीता में योग। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों में योग हमने देखा कि योग की उत्पत्ति हुई, उसके बाद सबसे पहला वर्णन योग का सबसे पहला वर्णन वेदों में हमने देखा। वेदों के बाद आए उपनिषद, उपनिषद जो है उसे वेदांत भी कहते हैं क्योंकि वो वेदों का अंत भाग है, वेदों का सबसे अंतिम भाग है उसे उपनिषद कहा जाता है, इसलिए वेदांत भी कहा जाता है। तो उपनिषदों में कहां कहां योग का वर्णन मिला ये हमने देखा।
इसके बाद गीता में योग, गीता में श्री कृष्ण ने योग का कहाँ कहाँ वर्णन किया है इसके बारे में हमने देखा। अब हम कल देखेंगे योग वशिष्ठ में योग, जैन मत में योग और बौद्ध मत में योग। जैन और बौद्ध इन दोनों संप्रदाय में योग का कहाँ कहाँ वर्णन देखने को मिलता है, इसका हम कल इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने देखा था फर्स्ट टॉपिक पे योग, योग की परिभाषाएं, योग का इतिहास, योग का महत्व, और अब हमने देखा वेद उपनिषद और गीता में योग। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो पुराने प्राचीन ग्रंथ है उसमें योग का कितना महत्व है। नमस्ते।